एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जनपद अध्यक्ष सरपंच और जनपद सदस्यों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने जनपद अध्यक्ष सरपंच और जनपद सदस्यों की तुलना बिच्छू से करते हुए कहा कि सरकार ने जनपद अध्यक्ष सरपंच और जनपद सदस्यों के डंक काट दिए हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल सीएम ने प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया है जिससे आदिवासी ग्राम सभा मजबूत हो, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पैसा एक्ट के प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह गांव में बिच्छू के डंक काट देते हैं, उसी तरह सरकार ने जनपद सदस्य, सरपंच और जनपद अध्यक्षों के डंक काट दिए हैं। सरकार ने जनता के चुने हुए जनपद सदस्य, अध्यक्ष और सरपंचों के अधिकार छीन लिए हैं। जो सरकार जनता के चुने हुए सरपंचों को, जिला पंचायत सदस्य, जनपदों के अधिकार छीन ले, उनको गांव में जैसे बिच्छू रहता नहीं उसका डंक काट देते तो बच्चे हाथ पर रखे फिरते हैं। जनपद पंचायत उनको सबको पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के डंक काट लिए, कोई पावर लेस कर दिया, सब अधिकार छीन लिए, तो अब कैसे हम विश्वास करें कि मुख्यमंत्री पैसा एक्ट के तहत कानून जो बना के लागू कर रहे हैं आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये केवल चुनाव तक के लिए गुमराह करने का षड्यंत्र है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।